आज मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए मतदान किया जा रहा है। इस समय हम नरसिंहपुर करेली विधानसभा में मुस्लिम बाहुबल राकई बूथ पर मौजूद हैं। आइए, जो पहली बार मतदान करने आए हैं, अपने मत की आहुति देने आए हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। आपका नाम? हुज़ैफ़ा खानम। पहली बार आप मतदान कर रही हैं, जी कैसा महसूस हो रहा है? पहली बार मतदान कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने प्रदेश के लिए सरकार चुनने में सहयोग दे रही हूँ। और मैं पहली बार ये डिसाइड कर सकती हूँ कि कौन मेरे ऊपर आके मतलब शासन चलाएगा, और मैं डिसाइड कर सकती हूँ, कर रही हूँ, और कि कौन वो मैं किसको वोट दूंगी और कौन जॉब और सारी चीज़ों के लिए हमारे ऊपर शासन करेगा। अभी आपने मतदान कर दिया है? जी, मैंने मतदान करने जा रहे हैं। आइए, वो कितने उत्साहित हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसी सरकार चाहते हैं। पहली बार मतदान कर रहे हैं? पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, क्या उत्साह है? बस एक्साइटेड हूँ। किस तरह की सरकार बनेगी? जैसी भी हो, पर हमारे लिए बदलाव चाहिए बस। शिक्षा के क्षेत्र में आप स्टूडेंट हैं? हाँ, उस बेसिस में तो चाहिए बहुत ज़्यादा। शिक्षा में कुछ बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, एजुकेशन पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। आइए, हम दूसरे मतदाता से बात करते हैं कि क्या उत्साह लेकर मतदान करने जा रही हैं, उनका पहला मतदान है। आपका नाम? निहारिका। कैसा लग रहा है आपको पहला मतदान करने के लिए जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह की सरकार चाहिए? जो बदलाव करे, जो चेंजेस करे, देश को आगे बढ़ाए। किस तरह के बदलाव? इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव चाहती हूँ, एजुकेशन में, गर्ल्स एजुकेशन में, सब में, मतलब देश को जो डेवलपमेंट की ओर ले जाए वैसा। किस तरह की सरकार बननी चाहिए जिसके लिए आपने मतदान किया है? गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की हो, कोई भी पार्टी से रिलेटेड हो, बट ऐसी होनी चाहिए जो ह्यूमन वेलफेयर पे काम करे। ह्यूमन वेलफेयर खास करके दो पिलर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, फर्स्ट एजुकेशनल डिपार्टमेंट एंड सेकेंड वन इज़ हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट तो ऐसा है कि वो तो सबका राइट है, सबको मिलना चाहिए और सबको एजुकेट होना चाहिए, बिकॉज लिटरेसी रेट ही हमारे आने वाले कल का फ्यूचर जो है, हमारा आने वाला जो फ्यूचर है उसको डिफाइन करेगा। अगर यहाँ लोगों में लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा, अगर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, उनको अच्छे बुरे की समझ होगी। पढ़े लिखे से ही मतलब नहीं कि आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, पायलट बन जाओ। एजुकेटेड पर्सन का मतलब होता है कि आप कितने समझदार हो, आप कितना अपनी राइट्स पे काम कर पा रहे हो, आपको कितनी समझ है दुनियादारी की। पढ़ा लिखा इंसान उसको ही कहते हैं जो लोग समझदार होते हैं। तो लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी, और लिबरल थिंकिंग के लिए लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड वन इज़ हेल्थ केयर जो है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो एक्चुअली हेल्थ डिपार्टमेंट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कई स्कीम्स चलाती है ना, मलेरिया प्रोग्राम चला रही है, एड्स प्रोग्राम चला रही है, मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करती है गवर्नमेंट, बट उसका फ़ायदा कितने लोगों को मिल पाता है? वो फ़ायदा लोगों को इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट केवल आयुष्मान कार्ड दे रही है। आयुष्मान कार्ड लोग यूज़ कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जिसको गवर्नमेंट अथॉरिटी दे रही है कि आप आयुष्मान कार्ड हमारा यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या हो रहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस हॉस्पिटल्स जो हैं वो अनवांटेडली एक बिग अमाउंट ऑफ बिल बना के गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उनको लूट रहे हैं गवर्नमेंट को। जैसे जो इलाज प्राइवेट में शायद लोगों का मतलब मेजर ऑपरेशन जो 1 लाख में हो सकता है, वो प्राइवेट कॉलेजेस में लोग 10-10 लाख रुपए में करवा रहे हैं और गवर्नमेंट भर रही है पैसे। गवर्नमेंट आयुष्मान, मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को आयुष्मान कार्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग अनवांटेडली बहुत ह्यूज अमाउंट में बिल बनाते हैं और फिर गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं, है ना। क्योंकि लोगों को तो समझ है नहीं ना कितना क्या ऑपरेशन में लग रहा है खर्चा, कितना क्या टेस्ट हो रहे हैं, कितना एक्सपेंस जा रहा है। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले होते हैं उनको क्या ही है, उनका तो उनका पैसा आना चाहिए, उनका अमाउंट मिलना चाहिए। तो अनवांटेडली जो चीज़ 10 लाख में भी हो सकती है उसका 50 लाख रुपये बिल बना के आयुष्मान कार्ड में कर रहे हैं और गवर्नमेंट भर रही है वो पैसा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट भर नहीं रही है, गवर्नमेंट भर रही है वो पैसा।
तो ये ना करके आप 50 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजेस को हॉस्पिटल्स को ना देकर आप गवर्नमेंट में इतनी फैसिलिटीज अगर मतलब उपलब्ध कराते हैं तो शायद बहुत बड़े अमाउंट में पैसा बच सकता है और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट सुधर सकता है देश का। आप नरसिंहपुर से हैं, नरसिंहपुर से उच्च शिक्षा के लिए नरसिंहपुर जिले के लोगों को बाहर जाना चाहिए, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का मांग करता है, कोई मेडिकल, क्या मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज नरसिंहपुर जिले में बनना चाहिए? यहाँ पर शिक्षा शिक्षा यहीं पर होना चाहिए कि हमें बाहर न जाना पड़े? बिल्कुल, कुछ साल पहले का सर्वे ऐसा बताता है कि ऑल ओवर दी मध्य प्रदेश नरसिंहपुर का लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं अकॉर्डिंग टू द रेशियो। बट हाँ, अगर अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर ओपन होते हैं तो काफ़ी सुविधा हो जाएगी लोगों को। बाहर जो लोग जा रहे हैं, रहना पड़ रहा है उनको बाहर जाके, वहाँ का एक्सपेंस अलग हो रहा है, तो अगर हमारे खुद के ज़िले में अगर ऐसी चीज़ें मतलब ऐसी सुविधाएं मिलती हैं तो मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए हम नए मतदाताओं से जो पहली बार मतदान करने आए हैं, आहुति दे रहे हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि क्या सब फील कर रहे हैं। आपका नाम? अंशिका रघुवंशी। पहली बार आप मतदान करने आई हैं, क्या उत्साह है? बहुत उत्साह है, मतलब बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट टाइम वोट देंगे, कब देंगे, मतलब कब 18 के होंगे, कब वोट देंगे, तो अब फाइनली 18 के हो गए तो वोट देने आए, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। किस तरह की सरकार बने ऐसा आप अपेक्षा रखते हैं? हम चाहते हैं मतलब ऐसा कि एजुकेशन में मतलब एजुकेशन में साथ दें वो हमारा, मतलब जैसे ऐसा नहीं कि बहुत मतलब ऐसा ज़्यादा कुछ एजुकेशन ही को बहुत हाई लेवल पे पढ़ा रहे या बहुत नीचे कर रहे, नहीं, ऐसे मीडियम, ताकि सब तरह के स्टूडेंट मतलब जैसे बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, बहुत वैसे भी होते हैं, तो सब अच्छे से एजुकेट हो पाए ऐसे करके। आगी